पाकिस्तान इस पे काम पार्टी बोलो पाकिस्तान आईपीपी है सबकी नारे तकबीर पाकिस्तान नारे तकबीर पाकिस्तान नारे रिसाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौसलों मेरे भाइयों मेरे साथियों मेरे लिए मेरे सरमाया अभी एक दो मिनट में जहांगीर तरीन साहब और अली खान साहब जो नीचे खड़े हैं वो ऊपर आ रहे हैं। मैं इसलिए आया हूं कि उनका हमने इस तरह इस्तकबाल कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में उनका इस्तकबाल ना हो। आप सब दोस्तों ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल करना है। जिसके पास भी झंडा हो वो जरूर लहराए। ये जज्बा पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, ये जोश हमारी हिम्मत का पैगाम है। ये जज्बा पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, ये जोश हमारी हिम्मत का पैगाम है। खालिद महमूद गुमन आप काली सुबह उनको दिल के हथाई ग्रहियों से खुश आमदीद कहते हैं। रारा खालिद साहब आप वांडो साहब का चेयरमैन उनको भी दिल के था गहराइयों से वेलकम करते हैं। नवीद विरक साहब साहब का नाजम उनकी दिल के था गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। तमाम जहांगीर तरीन साहेब अलीम खान साहेब गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। वो आपके लिए खसूसन जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब के लिए लफ्ज अटके हुए हैं होठों पे, नज्म उलझी हुई है सीने में। कितनी देर से कोरे कागज पे लिख के तेरा नाम बैठा हूँ जाना, लफ्ज कागज पर बैठते ही नहीं, उड़ते फिरते हैं तितलियों की तरह। बस तेरा नाम ही काफी है, इससे बेहतर भी और नज्म क्या है। जहांगीर तरीन खान अलीम खान
नामुदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं कायदीन इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी जनाब जहांगीर खान तरीन साहब, अब्दुल अलीम खान साहब, राणा नजीर खान साहब, उमर नजीर साहब, डॉक्टर फिरदौस आशी जवान साहिबा को आज कामों की इस गल्ला मंडी में जो न सिर्फ गुजरांवाला बल्कि पाकिस्तान बल्कि एशिया की सबसे बड़ी इस गल्ला मंडी में आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। मैं कामों की के आवाम से गुजारिश करूंगा कि खड़े होकर झंडे लड़ाकर भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा आपके कायदी इस्तेकाम में पाकिस्तान जिंदाबाद। ये जज्बा पाकिस्तान का इस्तेकाम है, ये जोश हमारी हिम्मत का पैगाम है, ये जज्बा पाकिस्तान का इस्तेकाम है। मैं इससे पहले के तकरीब का बकायदा आगाज करूं, मैं मीडिया के दोस्तों से तनवीर से जो भी वेल वाले पैरामीटर्स अवेलेबल है बड़ा मेहरबानी करके आप उनसे पैरामीटर्स ले लें। मैं तकरीब का बकायदा आगाज करने के लिए जा रहा हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं कामों की के गश्यूर आवाम को इस एलिया ने गल्ला मंडी कामों की को आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद भी कहता हूं और आपका शुक्र अदा करता हूं कि आज की इस गल्ला मंडी में कामों की तारीख का सबसे बड़ा पंडाल आपने सजाया। आपने इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के कायदीन को खुशामदीद का मैं दावते खिताब दूंगा तलावते कामे पाक के लिए काली अली शेर साहब को कि वो आए और तलावते कामे पाक पेश करे। कारी अली शेर कादी साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरा ताल्लुक आस्थाना आलिया कादर बख्श शरीफ कमालिया से है और हाजी साहब इस बात को बखूबी जानते हैं। आपका शुक्रिया आपने मदू फरमाया, अल्लाह आपको कामयाब फरमाए। असूल बरकत के लिए चंद आयात कलाम तिलावत पाक समात फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर नजराना अकीदत पेश करने के लिए मैं दावते खिताब दूंगा। इजाज़ अहमद सानी साहब से वो आए और नजराना अकीदत आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर पेश करें। जनाब इजाज़ अहमद सानी साहब। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैक या हबीब अल्लाह।
बनाया यूसुफ को तेरा मददगार बनाया ऐसों का तुझे यारो हर बात बदामा
मेरे कारवां में शामिल कोई कम नजर नहीं है, मेरे कारवां में शामिल कोई कम नजर नहीं है, जो ना मिट के बदन पर मेरा हम सफर नहीं है। तेरे गैर पर हमेशा तुम्हें सर झुकाए देखा, तेरे गैर पर हमेशा तुम्हें सर झुकाए देखा। बिस्मिल्लाह रहमान में ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, ऑडियो चेक, ओके भाई, कॉल आती तो फिर आ गई। हाँ जी, हाँ जी, बच्चा आ रहा है, बंद करो, एक मिनट बंद करो। हाँ जी, मिल गया, ओके 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 ओके। जी 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 जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, ऑडियो चेक कीजिएगा जी, सकावे पाकिस्तान का वर्कर्स कन्वेंशन शुरू। छोटे से शहर के अंदर जो शाहीनों की आज परवाज़ है वो काबिले दीद है, और कायदीन की यहाँ आमद पर इन कामों की के शहरियों ने बड़ा पुरतपाक वालेहाना अंदाज में जो है जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान और उनके साथियों का इस्तकबाल किया, पार्टी परचम लहराकर नारे लगाकर जो है इन कायदीन का इस्तकबाल किया गया, तराने बजाए गए, और अब्दुल अलीम खान और जहांगीर तरीन ने स्टेज पर खड़े होकर हाथ हिलाकर इन नारों का और इस्तकबाल करने वालों का जवाब दिया। बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां हमें यहाँ पे देखने में आ रही हैं, लाइट्स लगाई गई हैं, बड़ी स्क्रीनें लगाई गई हैं, जलसे की कार्रवाई जो है वो बराह रास्त सबको दिखाई जा रही है। बड़ी तादाद में जो शहरी हैं कामों की के इस छोटे से शहर के, वो तमाम के तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और कायदीन का खिताब सुनना चाहते हैं कि आई पी पी का जो मंशूर है, जो गरीबों के लिए इसके अंदर चीज़ें रखी गई हैं, उसके ऊपर एतमाद में लेंगे जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान कामों की के आवाम को। इससे पहले जब जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान के आने से पहले जो है यहाँ पे जो तराने बजाए जा रहे थे उनके ऊपर जोश और खरोश हमें काफ़ी नज़र आया शहरियों का। जलसा गाह के अंदर जो है बड़े बैनर्स और होर्डिंग बोर्ड्स और पैनाफ्लैक्सिस लगाए गए हैं जिनके ऊपर आई पी पी का मंशूर जो है वो लिखा गया है। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं और थोड़ी देर तक जो है ये कायदीन कामों की के आवाम को अपने मंशूर के हवाले से एतमाद में लेंगे। इस वक्त डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान जो है वो खिताब कर रही हैं जी।
देखें जो जलसागा की पंडाल के अंदर जो है बड़ी तादाद में शहरियों के लिए कुर्सी लगाई गई है, गल्ला मंडी है और मैंने जैसे कि पहले भी बताया एक छोटा सा शहर है, इस छोटे से शहर के अंदर आईपीपी के जलसे के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में लोगों का आना ये एक बड़ी तब्दीली की नवीद है। जो तैयारियाँ की गई थी, कुर्सियाँ लगाई गई हैं, लाइट्स लगाई गई हैं और मैंने जिस तरह के पहले बताया कि आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पीछे एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिसके ऊपर कायदीन का खिताब जो है वो बराह रास्त दिखाया जा रहा है, ना सिर्फ आप स्टेज के सामने बल्कि स्टेज के पीछे भी जो है इसी तरह की एक स्क्रीन लगाई गई है कि टेल पर जो मौजूद लोग हैं, जो शहरी हैं, वो अपने कायदीन की तकरीर को सुन सकें। ओके 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 मैं बनवा देता हूँ फिर दो आशिक का साहब। हमारा नौजवान लीडर राणा उमर नज़ीर जो स्टेज पे बैठा है, मैं उन नौजवानों से ये कहती हूँ, अपने बुजुर्गों से ये बहुत दर्दमंदी से अपील करती हूँ कि इस पाकिस्तान को अब एक रवायती थाने और कचहरी की सियासत से निकल के एक बेहतर मुस्तकबिल की तलाश है। आइए हाथ से हाथ मिलाएं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का हरावल दस्ता बन जाइए। जहांगीर तरीन और अलीम खान की क्यादत में आप राणा नज़ीर साहब की जो टीम है, मुझे ये पता है कि ये जो लोग आए हैं आपके दिलों में इस ख़ानदान की मोहब्बत है, आप इस ख़ानदान की उस सपोर्ट को वोट में बदल दें और कामों की में ये साबित कर दें कि जो आज तारीख साज इज्तमा आज आपने यहाँ किया और कामों की नई सियासत को आज आपने मुतारफ कराया, आईपीपी की उस नई सियासत से हम वादा करते हैं कि इंशाल्लाह ये पाकिस्तान बदलेगा और आपके हालात बदलेंगे, एक तरक्की याफ्ता खुशहाल पाकिस्तान आपका मुंतजर है। पाकिस्तान इस्तेकाम में पाकिस्तान, राणा नज़ीर, उमर नज़ीर, बहुत शुक्रिया। ये जज्बा पाकिस्तान का इस्तेकाम है, ये जोश हमारी हिम्मत का पैगाम है, ये जज्बा पाकिस्तान का इस्तेकाम। न मुंह छुपाकर जिए ना हम सर झुका के जिए, न मुंह छुपा कर जिए न सर झुका कर जिए, सितमगरों की नज़र से नज़र मिला कर जिए, अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशले जला के जिए। तो मैं कामों की के गयूर अवाम को ये कहूँगा कि कामों की मांगे इस्तेकाम और इस्तेकाम देने के लिए, कामों की को तमीर और तरक्की की खुशहाली पे राह पे डालने के लिए मैं दावते खिताब दूंगा आपके हर दिल हबीब हर दिल महबूब कायद राणा उमर नज़ीर खान साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आप सब की भरपूर तालियों की गूंज में राणा उमर नज़ीर साहब। पाकिस्तान का इस्तेकाम है, ये जोश हमारी हिम्मत का पैगाम है, ये जज्बा पाकिस्तान का इस्तेहकाम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला अलैका व साहब और आईपीपी के
डिवीजन से आए हुए हमारे जो रहनुमा हैं उनको भी, और ख़ास तौर पे हल्का NA 79 से ये हमारे जो मोहसिन, हमारे मेहरबान, हमारे हर दौर के साथी, खुशी और गमी, अच्छे और बुरे वक़्त के साथी, जिन्होंने आज यहाँ पे आके तशरीफ़ ला के जो हमारी इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाया है हमारे मेहमानों के सामने, यकीन करें अल्लाह की मेहरबानी से ये आपका एहसान और मोहब्बत ज़िंदगी भर हम नहीं भूल पाएंगे। और ये आज दिन ये बात सुनाने का भी नहीं है कि हमारे आपसे खिदमत के क्या ताल्लुक़ हैं। वो सारी खिदमात जो मेरे वालिद मोहतरम या मुझ जैसे से भी थोड़ी बहुत आपकी हुई हैं, वो इस सारी आपकी काविश के आगे छोटी हो गई हैं। जो आज आपने तशरीफ़ ला के हमारी इज़्ज़त बनाई, हमारे कायदीन को जो एहतराम दिया आपने, जो उनको वेलकम किया, आपका ये मोहब्बत, आपका ये एहसान हमारी तमाम खिदमात से बड़ा है। और जैसे कि मोहतरमा फरदौस आशिक अवान साहिबा ने फरमाया कि हमारी जमात का जो मंशूर है, हम इससे पहले भी मेंबर 5 दफ़ा आप लोगों ने मेरे वालिद साहब को मेंबर बनाया, 2 दफ़ा आपने मुझे मेंबर बनाया, लेकिन मेंबर हो के अगर जमात का मंशूर उसका साथ ना दे या उसके जो ख्यालात होते हैं उसके मुताबिक साथ ना दे तो एक मेंबर असम्बली की कोई हैसियत नहीं होती। और इस जमात ने जो ख़ास तौर पर मज़दूर के लिए और किसानों के लिए और छोटी सवारी वालों के लिए जो अपने मंशूर को बयान किया है, आप किसी भी जमात का मंशूर पढ़ें ये बात आपको किसी मंशूर में नज़र नहीं आएगी। हमारा और आपका रिश्ता अल्लाह के फजल से आज का नहीं 45 साल अगले साल हो जाएंगे। 1979 में आप लोगों ने मेरे वालिद साहब को मेंबर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल और वाइस चेयरमैन ज़िला कौंसिल बनाया। 2002 में मेरे जैसे एक आम को जो आप लोगों की वजह से ख़ास बनने की अल्लाह के फजल करम से हमें जो नसीब हुई उसका भी सारा सिर आपके पास है। मैं एक दफ़ा फिर, क्योंकि आज गुफ्तगू हमारे कायदीन ने करनी है, मैं तो सिर्फ आपके सामने एक शुक्राने के अल्फाज बयान कर सकता हूँ कि आज आके आप लोगों ने जो आज तशरीफ़ ला के देहातों से, और मैं एक और बात बताता चलूँ जनाब जहांगीर खान तरीन साहब से और अलीम खान साहब से, कि ये हमारा कन्वेंशन सिर्फ एक कौमी असम्बली का जो कन्वेंशन है, ये यहाँ के मोजज़ीन तशरीफ़ फरमा आए हैं, हमने किसी और मेहरबान को यहाँ पे तशरीफ़ लाने के लिए ज़ाती तौर पे तो ज़रूर कहा है, लेकिन ये इलाका जो आपके सामने बैठा है, ये सारा हल्का 79 पे मुश्तमिल हमारे मेहरबान, हमारे सरदारान हैं जो कि हमारी इज़्ज़त का बाइस बने, और इंशाल्लाह ताला ये लोग चलेंगे और हमारी जमात का मंशूर घर घर पहुँचेगा। और वो दिन दूर नहीं कि जब कामों की के नौजवान और बाकी हमारे जो बुज़ुर्ग हैं और हमारे जो हम उम्र साथी हैं वो इस जमात के मंशूर के साथ मुंसलिक हो जाएंगे। मैं अपने और हमारे कायदीन के दरमियान आपसे गुफ्तगू के दरमियान ज़्यादा हायल नहीं होगा। आखिरी दफ़ा भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि हमारा और आपका रिश्ता जो कि 4 दहाइयों से ऊपर चला गया है वो हमें भी अल्लाह तौफीक दे आपके साथ निभाने की, और आपको भी हमारे साथ मोहब्बत का अल्लाह ताला और शर्फ दे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये जोश हमारी हिम्मत का पैगाम है, अब मुल्क ये बदलेगा, हर रंग नया होगा, रोशन होगा अब नामे पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया राना उमर साहब, और मैं राना नज़ीर साहब को भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पर एहलियाने कामों की एहलियाने गंडा मंडी मौजूद हैं, इससे पहले भी बड़ी दफ़ा यहाँ पर पंडाल सजाने की कोशिश की गई, बड़ी जमातों ने जलसा करने की कोशिश की। मैं तहे दिल के साथ मुबारकबाद पेश करता हूँ कि राना नज़ीर साहब को कि इन्होंने तन तरह अपनी जो लोगों से वालियाना मोहब्बत का सबूत आज इस यहाँ पर हर बिल्डिंग के ऊपर फ्लैक्स, हर बिल्डिंग के ऊपर झंडा, और आज मीडिया अपनी आंखों से देख ले कि तमाम लोग सिर्फ इस तहसील कामों की से हैं, कोई शख्स बाहर से नहीं आया, ये तमाम लोग हैं जो राना नज़ीर साहब से मोहब्बत करते हैं। तो मैं राना नज़ीर साहब को बताने से पहले ये कहूँगा
कि जब अपना काफिला अज़्म व यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की मिट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। आप सबकी भरपूर तालियों की गूंज में आपके हर दिल महबूब कायद जनाब राना नज़ीर खान साहब। ये जज्बा पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, सारे लोग झंडे लहराएं, ये जोश हमारी हिम्मत का पैगाम है। अब मुल्क ये बदलेगा, हर रंग नया होगा, रोशन होगा अब नामे पाकिस्तान। ये इस्तेहकाम है, ये इस्तेहकाम है, ये इस्तेहकाम है, अब हाल हमारा। ये जोश हमारी हिम्मत का पैगाम है, ये जज्बा पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, ये जोश हमारी हिम्मत का पैगाम है। अब मुल्क ये बदलेगा, हर रंग नया होगा, रोशन होगा अब नामे पाकिस्तान। ये इस्तेहकाम है, ये इस्तेहकाम है। से आएंगे कोई ना टोके, मंजिल पे भागे जाएंगे, तकदीर ये बदलेंगे, मुल्क सवारेंगे, है जिनको मिला शाहीन का निशान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे मेरे बुजुर्गो ते मेरे भराओ ते मेरे साथियों, मेरे मोसनों, आज तुसा मेरा दिल खुश कर दिता है कि आज मेरे लीडर ने ते मैं वादा कीता थी तुहाडे ते अपने तल्लुकात की बुनियाद ते रब ने अपने हबीब दे सदके मैनू सुरखुरू करता है। ऐ पंडाल 70 साल किसी को नहीं भरिया गया ते मैं ते तुसा रल गया, अज चप्पा चप्पा भर दिता है। अज कामोगी दी तारीख हमेशा गवाह रहेगी। अस पूरे जिले च अपने हलके तो अलावा किसी नु तकलीफ नहीं दी। असा क्या नहीं, ए कामोगी वांडो ते अमलाबाद ते कमों की सदर दे जिहड़े इलाके मेरे हलके ने आण ते अज तुसा आ के तारीख लिख दी ते मेरा सीना ठंडा हो गया और मैं अपने लीडर सामने सुरखुरू हो गया। ते जिस तरह तुसी अज इन्हां दा इस्तकबाल कर रहे हो, ये कमों की दी तारीख है, ये भी तारीख लिखी जा रही है। जेड़े कल आंदे सन कामों की फलानी जमात दा गण, आओ जरा अखा खोल के वेखो, ये जहांगीर तरीन दा गण है, ये अलीम खान दा गण है, ये राणा नज़ीर दे भरावां दा गण है, राणा नज़ीर दे मोसरां दा गण है।
ते असी अजी ते सियासत की खिदमत अपने इलाके की कर रहे हैं। जब मैं पहली बारी मेंबर बनिया तो पूरे 600 पिंड की ना बिजली सी ना सड़क सी ना गैस सी ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिता तो की अज मैं अपने कायदीन नु कहांगा कि जनाब अल्लाह ने तुहानू इख्तदार दे देना ही है ते मेरे इन्हां मौसलां नू भी खुश कर रहा है। कामों की अज गंदा तरीन शहर है इन्हू सब तो सोहना शहर बनाना है ते खान साहब अलीम खान साहब तुसी ते काम करन दे माहर हो और जहांगीर तरीन साहब तुसी क्यादत करन दे माहर हो ते मेरे इलाके नू वांडो नू कामों की नू हर पिंड नू टफ टाइला लवा दे जे ते मैं तुहाडे ते गोडे गोडे खुश हाँ। आज वादा है पक्का इरादा है आगे से आगे जाएंगे कोई ना रोके कोई ना टोके मंजिल पे ते जिस तरह गुज्जर खां पास बने ने सिग्नल फ्री वे जिहड़े उत्थे बने ने चार इस तरह काबू की दी तंगी नू दूर कर दिओ असां अंडर पास जो नहीं लंघना साढ़े बारह सिग्नल फ्री पास बना दिओ किसे एक मील इधर जाना पैंदा ते चार मील ये सारे काम मैं कोई अरबां दे नहीं कह रहा थोड़े जे पैसा दा काम है ते इंशाअल्लाह असीं सियासत कर रहे हां पाकिस्तान दे शहीदां दी अजमत दी असीं सियासत करने हां जेड़े पाकिस्तान दे मुहाफ़िज़ ने और खून देंदे ने असीं उन्हां दी इज्जत वधाउण वास्ते पाकिस्तान मौजूद हां। साडी कमजोरी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह दे बाद पाकिस्तान है ये पाकिस्तान है ते असीं हां जिहड़ा इस पाकिस्तान की खिदमत करेगा असीं उहदे बूट पालिश करांगे जिहड़ा पाकिस्तान खिलाफ साजिश करेगा असीं उहनूं लित्तर मारांगे। ते मैं तुहाडी इजाजत नाल मैं तुहाडे इस हमे नाल ये तुहाडे तलकात की बुनियाद से अज अपने दोवें लीडरां नूं कहांगा कि कामों की तो इलेक्शन लड़ो तुहानूं दस देंगे कि इस्तेकाम नूं वोट किन्ना पैंदा जाएंगे तकदीर ये बदलेंगे। मेरे को लफ्ज नहीं क्या जिमें मेरा दिल खुश है मैं किड़े लफ्जा नाल तुहाडा ओ शुक्रिया अदा करा किवें उन्हां लफ्जा रले तुहाडे एहसान। कामों की मांगे इस्तेहकाम। मैं राणा नज़ीर साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि अवाम ने आपके साथ आज भरपूर मोहब्बत का इजहार किया और आपके आज कहने के ऊपर कामों की के अंदर तमीर तरक्की और खुशहाली लाने के लिए पार्टी का जरा तराना चलाएं। ये जज्बा पाकिस्तान का इस्तेहकाम है ये जोश हमारी हिम्मत का पैगाम है ये जज्बा पाकिस्तान का इस्तेहकाम है ये जोश हमारी हिम्मत का पैगाम है।
बदलेगा, हर रंग नया होगा, रोशन होगा अब नामे पाकिस्तान। ये इस्तेहका में, ये इस्तेहका में, ये इस्तेहका में, अब हाल हमारा बदलेगी। ये इस्तेहका में, ये इस्तेहका में, ये इस्तेहका में पाकिस्तान। आपके शहर में एशिया की सबसे बड़ी इस गल्ला मंडी में किसान के लिए, यहां की गयूर आवाम के लिए, आपके कायदीन इस सबसे बड़ी मंडी में आज किसान की बात करने के लिए आज किसान के पास आए हैं, मजदूर की बात करने के लिए मजदूर के पास आए हैं। तो मैं उनको बुलाने से पहले ये कहूंगा कि एकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, एकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा निशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा निशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो आप सबकी भरपूर तालियों की गूंज में सदर इस्तेहका में पाकिस्तान पार्टी आपके हर दिल मुकैद जनाब अब्दुल अलीम खान साहब भरपूर इस्तकबाल कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गल्ला मंडी वालों पहले तो मैं पूछ ला उर्दू में तकरीर करा या पंजाबी विच? पंजाबी ए फिर तकरीर का की करा सुट दे। चलो ठीक है जनाबे चेयरमैन जहांगीर खान तरीन साहब, अकाबरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मेरे बड़े भाई, मेरे सियासी कायद जनाब राणा नज़ीर अहमद खान साहब, उमर नज़ीर खान साहब, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जड़ी मोहब्बत गल्ला मंडी दे लोकां दी ते कामों की दी आवाम दी अपने भाई राणा नज़ीर नाल देखिए। राणा साहब मैं दिल दी गहराइयों तो तुहानू मुबारकबाद पेश करना। पिछले 40 सालां तो राणा नज़ीर ने लोगों के दिलों में हुक्मरानी की थी है और लोगों की खिदमत की करके अपना ये मकाम पैदा किया। जड़े लोग राणा नज़ीर के नाल दिलों ने
जरा एक दफा तालियां बजा के राणा नजीर दा ते चंडे लहरा के राणा नजीर लई जो तो मैं आ रहा सा तो मैं ये हालात वेखे जिस तरह उन्हें राणा साहब ने कहा शहर के विच बेशुमार गंद है सड़क टूटिया हुई ने और जो लोगों के हालात ने पीन का साफ पानी नहीं हैगा मैं आज राणा साहब तुहाडे जरिए कामों की दी आवाम नू ये कहना चाहना कि इंशाल्लाह ताला अगर तुहाडी इस जमात की हुकूमत आई तो इंशाल्लाह कामों की नू असी एक मॉडल शहर बनावांगे इंशाल्लाह ऐथे सब तो वड़ा इशू जड़ा इंटरचेंज दा है इंशाल्लाह ताला राणा नजीर साहब अल्लाह दे करम दे नाल उहदा इफ्तिताह करनगे इंशाल्लाह ना अज इत्थे कोई अच्छा अस्पताल है ना कार्डियोलॉजी अस्पताल है ना कोई गुरदियां दा अस्पताल है इंशाल्लाह अगर तुहाडी हुकूमत आई ते कामों की दे विच इंशाल्लाह ना सिर्फ कार्डियोलॉजी का अस्पताल बनेगा बल्कि इंशाल्लाह ताला गुरदियां दा भी अस्पताल इंशाल्लाह ताला इत्थे बनावांगे अच्छा जिहड़े अज तुहानू लोकी तुहाडे कोल वोट मंगन आणगे बड़ी बड़ी तसल्लियां देणगे बड़े बड़े पैगाम देणगे वो इन्हां नू कोई पुछता नहीं कि इत्थे किहड़े 40 साल फरिश्ते हुकूमत करदे रहे ने वो इत्थे ऐही लोग सन ये 40 साल ऐही लोग सन तुहानू पता है हुक्मराना ने किन्नी किन्नी बारियां लईआं 7 बारियां लईआं ने पंजाब विच और 1972 तो उत्थे बारियां लै रहे ने सिंध विच ये जिहड़ी 18 महीने की हुकूमत ने कारनामे कीते ने याद ने ना वो याद ने ना जदों घर दे विच बिजली का बिल आंदा है तो याद आंदी है जदों जाके सौदा खरीदना पैंदा है तो याद आंदी है ते याद रखना और याद रखोगे ना ये इंशाल्लाह ताला असी सारे मिलके ये जेड़े बारियां लेंदे रहे ने इन्हां नू अंजाम तक पहुंचावांगे इंशाल्लाह तुसी असी सारे इन्हां तो तंग सा जहांगीर खान तरीन दी सरबराई च असी सारे चले गए एक पार्टी दे विच वो पार्टी की कहंदी सी वो पार्टी कहंदी सी असी नया पाकिस्तान बनावांगे वो नया पाकिस्तान बनाने लई असी 10 साल दिन रात मेहनत कीती ना दिन वेख्या ना रात वेखी अपना आराम नहीं वेख्या बड़ा शौक सी सानू कि असी भी नवा पाकिस्तान बनावांगे वो जदों साहब वजीर आजम बन गए तो उन्होंने पंजाब विच ला दिता बुजदार ते के पी दे विच ला दिता गोरा बुजदार और दोनों माशाल्लाह रज के नलायक ते रज के करप्ट और फिर उन्होंने पंजाब दा ओ हाल कीता ओ बेड़ा गर्क कीता कि पंजाब दे विच कोई एक डीसी कोई एक कमिश्नर पैसे ले बगैर नहीं लग्या हर एक दा रेट सी कमिश्नर लवाना अलग रेट डीसी लवाना अलग रेट एसपी लवाना अलग रेट डीआईजी लवाना अलग रेट वो साहब इत्थे बैठे और उन्होंने पता कि सपोर्ट सी वो बनी गाला तो सपोर्ट सी उन्होंने करो सपोर्ट सी उन्होंने और इत्थे उन्होंने जुमा बाजार ला दिता
और इस मुल्क का सब तो वड्डा नुकसान की कीता, उन्हें इस मुल्क दे अवाम कोलों जड़ी उम्मीद सी वो तोड़ दिती, वो तोड़ के अवाम जड़ी हैगी मायूस हो गई। अवाम सिर्फ इस हकूमत तो मायूस नहीं हुई, अवाम इस सिस्टम तो मैं इस सिस्टम दे उत्ते एतमाद खो बैठी। लेकिन मैं तुहानू एक गल कहना चाहना, इस मुल्क दे विच अल्लाह ताला ने सब कुछ दिता, इस मुल्क दे विच दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ ने, खूबसूरत वादियां ने, लह लहादे खेत ने, खूबसूरत तरीन मुल्क दे विच अगर किसी चीज़ की कमी है तो सिर्फ और सिर्फ अच्छे लायक और ईमानदार लीडर की कमी है। सब कुछ हैगा इस मुल्क नहीं हैगा ते नेक नीयत लीडर नहीं लभदा। अगर वह लभ्या होंदा, अगर कायदे आजम जैसा लीडर सानू दोबारा लभ जाता तो अज मुल्क इस तरह का नहीं होंदा जिस तरह का अज। मैं दूर नहीं जाता, मैं लाहौर शहर की गल कर देना। लाहौर शहर के एक एक बैड पर चार चार बच्चे लेटे ने, ये हस्पताल की यह हालत है। यह लाहौर शहर की गल कर रहा, मैं कोई डेरा गाजी खान की या डेरा इस्माइल खान की गल नहीं कर रहा, लाहौर शहर की गल कर रहा। एक एक बैड के उत्ते चार चार बच्चे ने, मावं बरामदिया के विच अपने बच्चों नू लैके बैठिया क्योंकि बैड नहीं अवेलेबल। ये हालात ने इस मुल्क दे, लोकी रुल गए ने, कोई थाने दे बाहर, कोई पटवार दे बाहर, लोकी सब कुछ वेच के अगर किसी थाने विच कोई किसी के खिलाफ किसी ने झूठा परचा करा दिता सब कुछ विक गया उदा। ये हालात इस मुल्क दे, साड़ियां मावां साड़ियां पैना जड़ियां घर दे विच बैठिया ने वो सारिया जड़ी है गया, कोई जहेज ना आने की वजह तो बैठी है, किसी दे कोल इन्ने वसायल नहीं है कि अपने बेटी नू इज्जत दे नाल रुखसत कर सके। ये वो मुल्क सी जिहड़ा इस्लाम दे नाँ ते लिया गया सी, ये वो मुल्क सी जिहड़ा कायदे आजम ने इस खिते दे मुसलमाना लई बनाया सी। अज 75-76 साल बाद जाके जरा सिंध दे हालात वेखो, सिंध दे विच एक पिंड की तस्वीर आई, उस तस्वीर दे विच एक तरफ एक नदी दे उत्ते कुत्ता पानी पी रहा है और उसी नदी दे नाल एक बच्चा पानी पी रहा है। ये हालात ने इस मुल्क दे 76 साल हो गए ने। मैं पूछना चाहना ये हालात क्यों ने, क्योंकि हुक्मरान बेईमान ने, हुक्मरान चोर ने, लुटेरे ने, लुट के लै गए ने इस मुल्क नूं, जिदा दा लगा उन्हें कमी नहीं की, जिदा भी दा लगा और जिन्हां नूं असी बड़े माशाला नेक ते ईमानदार समझने सां उन्हां दे करतूत तुसी अजकल पढ़ ही रहे होवोगे। वह ना की लैंदे सन रियासत मदीना, नाउज़ बिल्ला मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिहड़ा निज़ाम सी ये वो निज़ाम दी ना लैंदे ने। मैं इन्हां नूं कहना चाहुंदा ओ कम अज़ कम जो मर्जी करो, सियासत करो, झूठ बोलो, पर खुदा दे लई मदीने दा नां ना लवो। खुदा दे लई जो मर्जी करो, लोगों नूं गुमराह करो, लोगों के सामने झूठ बोलो, लेकिन कम अज़ कम इस्लाम दे नां ते ना बोलो, मजहब दे नां ते ना बोलो। तुसी अज तक जो करतूतां अपना तुहाडियां हैगियां ने वो लोकी पढ़ रहे ने अखबारां विच, देख रहे ने टीवी ते, तुसी जो मर्जी करो लेकिन मजहब नूं ना लैके आओ। रियासत मदीना दा नां ना लवो, ये रियासत मदीना मेरे आका दी रियासत सी और ये तुहाडे जैसे लोकां दे मूँह चंगी नहीं लगती। मैं अपने दोस्तों नूं अज कहना चाहना कि ये सारे हुक्मरान
जदों इन्हां दे नाल लगो तो कुछ होर ही नज़र आते ने, ये बाहरों कुछ होर ने अंदरों कुछ होर ने। ये मैं जदों लोगों नूं वेखना जदों साड़ी फौज इन्हां नूं सपोर्ट करती है, इन्हां दी हुकूमत विच फुल सपोर्ट की, इन्हां दे नाल खलोए इस मुल्क की तरक्की लई, इस मुल्क नूं अगे लैके जाण लई, जदों अज मैं उन्हां दे मूहों फौज के खिलाफ गल्लां सुनना तो शर्म आती है। ये वो फौज है जिहड़ी सरहदां दे उत्ते हर रोज़ कुरबानियां दे रही है। असी सारे बच्चियां वाले ने इत्थे बैठे ने बेशुमार लोग, अपने पुत्र नूं अपने मुल्क ते कुरबान करना की आसान काम है? दसो कोई आसान काम है? अपने जवान पुत्र की कुरबानी दूसरों के पुत्रां नूं महफूज करन लई देना कोई आसान काम है? मैं ते तरीन साहब कुछ दिन पहले असी कर्नल हसन दे घर गए, कर्नल हसन साहब ने शहादत का मरतबा हासिल किया दहशतगर्दा के खिलाफ लड़ते हुए। तुहानू पता है उस कर्नल ने अपने जवानों नू पिछे रखिया, आप अगे गया, और तुहानू पता कि उहदे सीने ते किन्नियां गोलियां लगियां? 15 गोलियां। उस बहादुर सपूत ने, इस मुल्क दे पुत्र ने 15 गोलियां खादियां सीने ते, डिग्गिया नहीं, 16वीं गोली उहनू दिमाग विच लगी, फिर डिग्गिया वो। और उहदे घर असीं जदों गए, असीं उहदी मां नू मिले, उहदी मां दी अखां विच एक आंसू नहीं सी। और मैं तुहानू सारे नू सुनाना चाहना, ये पूरी कौम नू सुनाना चाहना, उन्हें कहा मेरा पुत्र इस मुल्क दे उत्ते कुर्बान हो गया, मैनू कोई रंज नहीं, उहदी अखां विच एक आंसू नहीं सी। मैं ते तरीन साहब जदों वापस आ रहे सां, ते तरीन साहब ने मैनू कहा ये कहो जे लोग ने, ये कैसे मां ने जिहड़े अपना पुत्र साडे पुत्रां लई, साडे बच्चों की हिफाजत लई अपने बच्चे कुर्बान कर रहे हैं। और साडे सियासतदान वेखो, ये लानती लोकी वेखो, ये अपनी फौज के उत्ते बकवास करते हैं। इन्हां नूं पुछो अपना पुत्र कभी बॉर्डर ते भेज गए, ते कभी देखो किस तरह उन्हां दी मावां, उन्हां दी भैणां, उन्होंने प्यो, उन्होंने मावं किस तरह रेंदे ने जिन्हों के बच्चे उत्थे जाके लड़ते हैं। अगर ये मुल्क अज मुस्तहकम हैगा, मजबूत हैगा, सिर्फ पाक फौज की वजह तो हैगा। अगर ये मुल्क इकट्ठा हैगा तो सिर्फ पाक फौज की वजह तो हैगा। अज सारे ने असी ये अहद करना है, सियासत जो मर्जी करो, इस फौज के खिलाफ कुछ नहीं सुनांगे। ये फौज है ते पाकिस्तान है, ये फौज है ते साडे घर विच लोकी, साडी मावां, साडियां पैलां, साडे बच्चे आराम नाल सुते ने, क्योंकि साडे लई कोई होर अपनी जाना दे रहा। ये गल ठीक है? जरा हाथ खड़ा करके दसो, सारे जरा पीछे तक दसो, इंशाल्लाह आज मैं तो अनुया कहना चाहना, मायूसी गुनाह है, और इस मुल्क तो तुसी मायूस नहीं होना। खास तौर पे मैं नौजवान नस्ल नु कहना चाहना, अपने बच्चों नु कहना चाहना, इस मुल्क तो मायूस नहीं होना। ये खूबसूरत तरीन मुल्क है, इहदे विच इन्ना इन्ने वसाइल ने कि ये तुहानू ही नहीं, इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाली तुहाडियां भी नस्लां नू भी इंशाल्लाह ताला रोज़गार देगा। मैं खास तौर पर अपना जिहड़ा प्रोग्राम है, ये पार्टी का प्रोग्राम जिहड़ा है,
वह मैं तुम्हें दसना चाहना कि साड़ी पार्टी अगर अल्लाह ने सानू मौका दिता अगर आवाम ने साड़ा साथ दिता तो असी आके हकूमत की करांगे। सब तो पहले असी गरीब आदमी लई जड़ी बिजली है उन्हूं फ्री करांगे मुफ्त करांगे। अच्छा ये मैनू पुछदे ने कि ये तुसी सारे झूठ बोल रहे हो, असल च सारी उम्र आप झूठ बोलते रहे ने इसलिए सानू कहते रहे तुसी झूठ बोल रहे हो। मैं इन्हां नू दसना चाहना ये मुफ्त बिजली कित्थों दवांगे, और भाई अमीरां दी बिजली जिहड़ी हैगी है उहदी कीमत डबल करांगे ते गरीबां नू दवांगे फ्री बिजली। हर शख्स जिदे घर का बिल 300 यूनिट आंदा जरा हाथ खड़ा करो किदा किदा यूनिट 300 तो थले थले आंदा पिछे सारे का वधा आंदा ते खड़ा करो ना हाथ। फिर जिहड़ा जिदा 300 यूनिट आंदा ओहदे लई तमाम घर की बत्ती फ्री, और पैसे कौन देगा? अमीर लोग देंगे पैसे तुहाडे, उहनां दे टैक्स लावांगे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀ ਡਬਲ ਕੀਮਤ ਤੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੱਤੀ ਫ੍ਰੀ। ਓ ਵੇਖੋ ਅਲੀ ਮੁਖਾਨ ਆਇਆ, ਓ ਵੇਖੋ ਅਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ 12.5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਅਰਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਬੱਤੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ, ਇਹਦੇ ਕੌਣ ਬਿੱਲ ਦੇਗਾ? ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਬੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਏਗਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੇ। ਵਾਹ, ਸਾਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ जनाब। मोटरसाइकिल वालों लई पेट्रोल की कीमत अद्धी, और बाकी कीमत कौन देगा? वड्डी गड्डियां वाले, उन्हां दी कीमत डबल और तुहाडी कीमत अद्धी। हर यूनियन कौंसल ते एक डिस्पेंसरी बनेगी जिहड़ी सारा दिन ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਹਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਲਓ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਜਰਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 50,000 ਹੋਏਗੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਨੌਜਵਾਨ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਾ ਸੂਦ ਕਰਜ਼ੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਮਕਿਨ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਨਅਤ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਈ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਈ
सनती यूनिट नहीं लगेंगे, नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, नौजवानों ने रोजगार नहीं मिल सकता। सो नौजवानों नू इंशाल्लाह ताला कर्जे देवांगे और वो कर्जा देंगे जिदे ते कोई इंटरेस्ट नहीं होएगा, इंटरेस्ट फ्री होएगा, और ताकि नौजवान अपने रोजगार लिए बंदोबस्त कर सकन। इसी तरह जड़े कच्ची आबादियां दे मकीन ने, सारे कच्ची आबादियां नू उसी मालकाना हकूक देंगे, और वो लोग जिहड़े पिंडां दे विच ने, मैं तुहानू कहना चाहना कि जो जो सरकारी जमीन है पिंडां दे विच, जिथे हकूमत दी 75 साल तो जमीन पई हुई है, उहदे विच असीं तीन तीन महल्ले दे प्लाट बनावांगे, जिन्हां दे अपने घर नहीं उहनां नू उस जमीन भी देंगे ते इंशाल्लाह उत्ते उत्ते घर भी बना के देंगे। ये जज्बा पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, ये जोश हमारी हिम्मत का पैगाम है, ये जज्बा पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, ये जोश हमारी हिम्मत का पैगाम है। अब आखिर मैं तुहाडे सारिया का शुक्रिया अदा करते हुए कहना चाहना, जो मोहब्बत दे नाल तुसी अज साडा इस्तकबाल कीता है, जो मोहब्बत तुसी जहांगीर खान तरीन लई और मेरे लिए दिखाई है, दिल दी गहराइयां तो तुहाडे ममनून हाँ। और आना साहब इंशाल्लाह ताला ये तुहाडे नाल जिस तरह मुनसलिक ने लोकी, जिस तरह तुहाडे नाल मुहब्बत करते ने, अल्लाह ने खैर कीती ते इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी नू अल्लाह दे करम दे नाल उमर नज़ीर खान इंशाल्लाह ताला इत्थे दा MLA बनेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। हिम्मत का पैगाम है, ये जज्बा पाकिस्तान का इस्तेहकाम है, ये जोश हमारी हिम्मत का पैगाम है, अब मुल्क ये बदलेगा हर रंग। बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल अलीम खान साहब। इंशाल्लाह ताला कामों की और जिला गुजरावाला में आप और तरीन साहब की क्यादत के अंदर इस्तेकाम आएगा, ना सिर्फ यहाँ का किसान खुशहाल होगा, मजदूर भी खुशहाल होगा, और कामों की इस तमीर और तरक्की और खुशहाली के अंदर इस्तेकाम पाकिस्तान के साथ रवा दवा होगा। तो कामों की वालों, आज हम इस एशिया की सबसे बड़ी गल्ला मंडी में जो आज किसान यहाँ पर बैठा है, आज आपके पास एक किसान खुद चल कर आया है, किसान की बात करने के लिए आया है, किसान को खुशहाल करने के लिए आया है, और किसान के लिए इस पार्टी का चेयरमैन जो खुद एक किसान है, जो खुद एक एग्रीकल्चरिस्ट है, जिसने हमेशा किसान की फलाह बहबूद के लिए काम किया, आज वो कामों की में आपके लिए आया है। उनके बुलाने से पहले मैं ये कहूँगा कि तुमसे पहले एक शख्स यहाँ पर तख्त नशीन था, तुमसे पहले एक शख्स यहाँ पर तख्त नशीन था, इसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, कोई ठहरा हो लोगों के जो मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है जिन्हें अपने नाश पे बहुत तय था। आप सबकी भरपूर तालियों की गूंज में चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जनाब जहांगीर खान तरीन। ओ जहांगीर तरीन सोना, ओ जहांगीर तरीन सोना, मुखलिस ते सच्चा, रहमान रहीम। जनाब राना नज़ीर साहब, अलीम खान साहब, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान,
उमेर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा यहाँ बैठे हैं और सबसे ज़्यादा कामों के आवाम और राना नज़ीर से मोहब्बत करने वाले लोग, अस्सलाम वालेकुम। यार बात यह है कि मैं ये तकरीर लाया हूँ पढ़ने के लिए, मगर ये जो दो तकरीरें मेरे से पहले हुई हैं इनके बाद मैंने तकरीर वापस रख ली जेब में। हुण गल होएगी तुहाड़े नाल डायरेक्ट, वरना नहीं होएगी। मगर मुझे एक बड़ा मसला है, मसला ये है कि राणा नज़ीर साहब ने ज़बरदस्त पंजाबी में तकरीर की, तुहाड़ी जुबान भी पंजाबी, उन्हां दी जुबान भी पंजाबी। इन्हां नूं वेख के फिर अलीम खान नूं जोश चढ़िया, उन्हें कहा मैं ही पंजाबी तकरीर कराँगा, मेरी जुबान ही पंजाबी है। अल्लाह के हुक्म से ये मुल्क बचाएगी। बोलो सब बोलो, आईपीपी है सबकी जान। मगर मसला थोड़ा जहा, मैं पंजाब रहा, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़िया ही सही, मगर मैं पंजाबी छोटी मोटी आती है बाबा, छोटी, मैं तकरीर नहीं कर सकता पंजाबी। खैर मुझे मेरी मजबूरी है, मैंने उर्दू में बोलना है, मगर मैं आपको ये बताना चाहता था कि मुझे बड़ी खुशी हुई है कि अपनी ज़ुबान में आप लोगों के साथ दिल की बातें की हैं राणा साहब ने भी और अलीम खान साहब ने भी। अब ये इतनी ज़बरदस्त तकरीरें सुनी है मैंने, राणा साहब तुम छा गए हो राणा साहब, छा गए हो सर, ज़बरदस्त तकरीर की है। मगर अलीम खान, आज आपकी पंजाबी तकरीर सुन के मेरे से रिक्वेस्ट है कि पंजाब जिससे तकरीर करोगे पंजाबी ज करोगे। अब मेरी ये लिखी हुई तकरीर मेरी चली गई जेब में, अब मैं आपसे दिल की बातें करूंगा, जो मेरे दिल में है वो आप सुन लें इंशाल्लाह ताला। देखें, मैं एक सियासी ख़ानदान से वाबस्ता नहीं हूँ, मेरा ख़ानदान, मेरे वाले साहब, मेरा उनके, मेरे दादा, सारे मेरे रिश्तेदार भी कोई सियासत में नहीं था, हम गैर सियासी लोग थे। मैंने ये सोच समझ के कदम इसलिए मैंने उठाया कि मैंने इर्द गिर्द अपने तमाम लोगों को देखा, अपने मुल्क को देखा, और फिर एक ऐसा आदमी हमें मिला जो सियासत, जिसने नई सियासत शुरू की थी, जो सियासतदान रिवायती सियासतदान नहीं था। हम सब लोगों ने मिलके उसके संभाला, उसको हमने सपोर्ट दी कि एक वाकई एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। ये बहुत लंबी कहानी है और मैं पुरानी बातों में नहीं जाता कि क्या होना चाहिए था और क्यों नहीं हुआ, जो हो गया सो हो गया, अब आगे देखने का टाइम है, आगे देखने का वक्त है। हम लोग बहुत कुछ उससे सीखे, उस हालात से देखा हमने क्या चीज़ हो सकती है, किस तरह से हो सकती है, इंशाल्लाह ताला उसको हम अब आगे लेके चलेंगे। मैं आपको ये एक और अर्ज करूं, मैं और अलीम खान, हम दोनों ऐसे लोग हैं जिनको ख़ानदानी तौर पे ये सब कुछ नहीं मिला था जो अब अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है। हमने अपनी मेहनत करके ईमानदारी के साथ हम यहाँ तक पहुँचे, अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बड़ा करम किया। हाथ से काम करना कौन जानता है सियासत में, अलीम खान जानता है, मैं जानता हूँ, हमने खुद काम किया है, हमें पता है कि इस मुल्क को ठीक करने का क्या तरीका है, और इस मुल्क को ठीक करेंगे तो आपकी हालात बेहतर होंगे। हमारी इस तमाम तरजीह, मेरे भाइयों और बहनों, हमारे मुल्क में हमारी कोशिश की तमाम तरजीह आप लोग हैं, आप लोग जो यहाँ के ऐसे अवाम हैं जिनको वो जो उनका हक है वो नहीं मिला। ये सारा पाकिस्तान जो है एक मुल्क है जिसमें से आप लोगों की अक्सरियत है, आप लोगों की अक्सरियत है, याद रखना, ये पाकिस्तान कुछ नहीं है, ये सब आपका है। और अगर आपके लिए और पाकिस्तान की अक्सरियत के लिए हम लोग मेहनत करेंगे, आप लोगों की ज़िंदगी बदलेगी, पूरा पाकिस्तान बदल जाएगा। जैसे अलीम खान ने कहा, अस्पतालों की बात, स्कूलों की बात,
हमने इंशाल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने तमाम हकूमत के स्कूल ऐसे बना देने हैं जैसे बेहतरीन अंग्रेजी के स्कूल होते हैं जहां लोग हज़ारों रुपए दे के पढ़ने जाते हैं। तमाम हस्पतालों को हम ऐसा बनाएंगे कि लोग बाहर से देखने आएंगे कि पाकिस्तान में सरकारी हस्पताल का मियार क्या हो गया है। ये है चीज़ें जो हमने आवाम के लिए करनी है। और मईशत एक मुल्क की जान है। मईशत चमकेगी, मईशत आगे जाएगी तो मुल्क में बेहतरी होगी। मईशत को चमकाने के लिए, मईशत को बढ़ाने के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी ज़रूरी है। बेशक इतने ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगें, इतना ज़्यादा कारोबार हो कि जो लोग कारोबार करना जानते हैं वो कामयाब हों, और जो कारोबार करना जानते हैं उनकी कामयाबी से आपको बेहतरीन नौकरी मिले। सबसे अहम चीज़ है नौकरी मिलनी चाहिए और नौकरी की तनख्वाह जायज़ तनख्वाह होनी चाहिए जो आप लोगों के घर में हर चीज़ को पूरा करे। इंशाल्लाह ताला हम अपने यही मंशूर में एक एक चीज़ डाली हुई है। हमारे लोग बैठे हैं इस वक्त काम कर रहे हैं और हम पूरी तरीके से इंशाल्लाह के अपने जो हमने अपने टारगेट बनाए हुए हैं उसके ऊपर हम पूरे उतरेंगे। देखें मुल्क के बारे में सोचें, ये मुल्क जो है ये बड़ी मुश्किल से बना था। हिंदुस्तान के बीच में से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये पाकिस्तान को निकाल के, इस खत्ते को निकाल के मुसलमानों की के लिए राज किया। ये मुसलमानों का मुल्क है, मुसलमान इस्लाम के नाम पे बना था और ये हम तमाम लोगों का हक है। हमारा ये हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने ये डाला हुआ है कि हम इस मुल्क को कामयाब करें। हम कामयाब करेंगे तो ये मुल्क सही होगा, गरीब इंसान का गुर्बत मिटेगी। और ये भी मैं आपको बता दूं, हम यहाँ सब बैठे हुए हैं, यहाँ पे साहिब हैसियत लोग बैठे हुए हैं, जब तक गरीब गुरबा का ख्याल नहीं किया जाएगा और गुर्बत नहीं मिटाई जाएगी ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। इंशाल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ये मंशूर है कि ये टोटल हम सारी मेहनत करके इसको हम कामयाब करेंगे। ज़रात, यहाँ ये ज़रई शहर है, ज़रई इलाका है। मैं जद्दी पुश्ती ज़मींदार नहीं था, मेरे कोई बाप दादा के पास सैकड़ों एकड़ मुरब्बे ज़मीन नहीं थी। मैंने अपनी हिम्मत करके, कोशिश करके, शौक़ से मैंने ज़मींदारी में गया हूँ और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है। इंशाल्लाह ताला सारे पाकिस्तान को हम एक ऐसा ज़रई मुल्क बनाएंगे कि दुनिया के देखेगी कि ज़रई मुल्क कैसे कामयाब होते हैं। ऐसा मुल्क होगा कि ये जो मंडी है ना, इतना ज़्यादा अजनास पैदा होगा कि ये मंडी जो है ये 5 गुना 10 गुना बड़ी बनानी पड़ेगी सारा कुछ संभालने के लिए। यही तरीका है मंडियों को भी बेहतर करना, बड़ा करना, कि पीछे से जो आपकी पैदावार है वो सही हो। और जब पैदावार सही होती है मेरे भाइयों और उसके पैसे सही मिलते हैं तो समाप आवाम का रोज़गार पूरा होता है और सारे लोग जो हैं उनकी किस्मत बदल जाती है। ये हमारे काम है सनतकारी में। सनतकारी में भी हम ऐसे चीज़ें फ़रोग देंगे और उन लोगों को लेके आएंगे जो लोग यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगा के कामयाब कर सकें, आप लोगों को रोज़गार दे सकें। वो रोज़गार ऐसा नहीं कि थोड़े पैसे वाला, भरपूर रोज़गार। इतनी फैक्ट्री होनी चाहिए, इतनी सनत होनी चाहिए कि हर सनतकार एक दूसरे से मुकाबला करके लोगों को आए कि यार मेरी फैक्ट्री में काम करो, दूसरा कहे नहीं यार मैं ज़्यादा पैसे देना, मेरी फैक्ट्री जाते काम करो। ये एक दिन होगा तो ये मुल्क तब्दील होगा। और गरीब आवाम के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है। आपको ये मैं बताऊँ एक और बात, अभी तक ये जो सियासी पार्टियाँ हैं ये वादे करती हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, और वादे कोई पूरे नहीं करता क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं होती वादे पूरे करने की। इंशाल्लाह ताला हम लोग सोच समझ के वादे कर रहे हैं, अंधे वादे हम बिल्कुल नहीं करेंगे। ना हमने, हमारी ये आदत है ना सारी ज़िंदगी में हमने ये किया है। और राणा नज़ीर साहब जैसे लोग हमारे साथ हैं, अगर हमसे कोई कोताही हो एक भी सही तो राणा नज़ीर ने भी हमें माफ़ नहीं करना, हमें पकड़ लेना इसने आके, जो तुम कामों के जाके एक किया थी तो पूरा करके दिखाओ।
इंशाल्लाह आप लोग दुआ भी करें, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और हम अपने इन जज्बों के ऊपर पूरा उतरें। तालीम, हर घर में तालीम होनी चाहिए म्यारी। गरीब का बच्चा हो या जिसका भी बच्चा हो, उसको अगर वो काबिल है तो उसको आखिर तक जाके पढ़ने का मौका मिलना चाहिए और वो जाए डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और अपने ख़ानदान का भरोसा बने। इंशाल्लाह इसी तरह की मैं आपको अर्ज़ करूं कि हम लगे रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हमने पहले भी 10-12 साल की कोशिश की थी एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए। अब हम नया पाकिस्तान की बात तो मैं नहीं करता, वो बात वहाँ ख़त्म हो गई। अब हम एक पाकिस्तान बनाएंगे और बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे, बेहतरीन पाकिस्तान बनाएंगे हम इंशाल्लाह ताला। बहुत मेहरबानी आपकी, आपके जज्बे की, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, इज्जत दी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जो जो बातें मैंने की हैं इंशाल्लाह हमारी पूरी पार्टी कोशिश करके इनको पूरा करने की कोशिश करेगी। जींदे रहो। आप तमाम लोगों के शुक्रिया, मेहरबानी। राणा साहब आपका, आप तमाम लोगों का यहाँ खड़े हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। आईपीपी को है जिताना, सब बोलो सब बोलो, आईपीपी है सबकी जान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हो सोना, ओ जहांगीर तरीन सोना, मुखलिस ते सच्चा, ओ एदे वरगा नहीं कोई होना। सब बोलो सब बोलो, आईपीपी है सबकी जान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। I'm not afraid।